तो दोस्तों फाइनली जिस वीडियो का आप वेट कर रहे थे वह वीडियो आ चुकी है, हाउ टू अनबैन BGMI आईडी। तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक जेन्युइन तरीका बताएंगे आप BGMI आईडी को कैसे अनबैन करवाएंगे। ठीक है, जेन्युइन तरीका बताएंगे हम आपको, किसी फाइल को नहीं बताएंगे कि आप इस फाइल को कॉपी करके जाके OBV में इस वाले फोल्डर में पेस्ट कर दो आपकी आईडी अनबैन हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि जेन्युइन वे है। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले स्मोक का ग्लिच आया था जिसमें हो क्या रहा था, अगर उस स्मोक को आप यूज करते थे तो आपका बंदा फ्लैश की तरह भागना स्टार्ट कर देता था। और आपने पिछली वीडियो मेरी देखी होगी, भाई मेरी आईडी बैन होते होते बची, मुझे ऑटोमेटिक आईपैड व्यू मिलना स्टार्ट हो गया। अब भगवान जाने कैसे क्या हुआ, उसके बाद में जैसे मैं दोबारा रीस्टार्ट किया तो मेरा जो आईपैड व्यू है वो ख़त्म हुआ, मेरा जो गेम है वो नॉर्मल हो गया। तो अगर मैं थोड़ा सा और करता तो शायद BGMI वालों को लगता कि यह कोई फाइल अंदर डाल के रखा और मेरी आईडी बैन हो जाती। तो भाई मतलब क्या ही नशा चल रहा है BGMI में, मुझे समझ में नहीं आता। तो बहुत ऐसे लोग हैं, कम से कम मुझे लगता है कि 300-400 मैसेज आया होगा मुझे WhatsApp पे बैन को लेके। और हाँ, अगर अभी तक आपने इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हम लाइव आने वाले शायद शाम को या कल में लाइव आएंगे, कुछ ज़रूरी आप लोगों से बातें करनी है। ठीक है, तो फॉलो कर लेना। तो बहुत सारे मुझे DM भी आए, मैसेज भी आए कि सर विदाउट एनी रीजन मेरा आईडी बैन हो गया, विदाउट एनी रीजन। तो भाई कोई नहीं, विदाउट एनी रीजन अगर आपका आईडी बैन हुआ है तो मैं अनबैन करके दिखाऊंगा। ठीक है, क्योंकि एक बंदे का मैंने अनबैन किया था, बहुत परेशान था, किया था मैंने, और उस वीडियो को हम प्रजापति लाइव पे अपलोड किए थे जो चैनल डिलीट हो गया। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आप अपने आईडी को अनबैन कैसे करेंगे अगर आपकी आईडी विदाउट एनी रीजन बैन हुई है। अगर आपने हैक लगाया था, कुछ मतलब तिगड़म किया था, कुछ कलाकांडी किया था, तो भाई अनबैन नहीं होगी। ठीक है, भूल जाओ, वीडियो को स्किप कर दो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं कि हम अपने BGMI आईडी को अनबैन कैसे करवाएंगे वो अभी क्राफ्टन से। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर देना। आपका एक लाइक हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है, मैं तो डीमोटिवेट हो गया था, लेकिन यार आपका लाइक, आपका प्यार, आपका कॉमेंट देख के भाई मतलब देखो फिर से फेस पे खुशी आने लगी, लेकिन अभी उतनी नहीं है, बट आपका प्यार सपोर्ट रहा तो आएगी यार, जरूर आएगी। तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे दूंगा, ठीक है, क्राफ्टन करके लिंक दे दूंगा। तो आप उस पर जैसे क्लिक करेंगे, या BGMI आईडी अनबैन करके लिंक दूंगा, जैसे आप क्लिक करेंगे आप क्राफ्टन के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे, कॉन्टैक्ट अस करके इस वाले वेबसाइट पे आ जाएंगे, यह वाला पेज ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। ठीक है, यह वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर एक छोटा सा काम करना है और आपकी आईडी अनबैन हो जाएगी। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक ईमेल आईडी डालना है, ठीक है, ईमेल आईडी डालना है। आप अपना पर्सनल ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो गेम से लिंक है, या तो आप कोई दूसरा भी डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको डालना है। उसके बाद में सेकंड ऑप्शन आपको मिल जाता है सेलेक्ट प्लेटफॉर्म, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है आपका क्या है iOS एंड्रॉयड, तो फिलहाल मेरा एंड्रॉयड है, मैं एंड्रॉयड पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, आपको वह चीज़ यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। अब आपको इश्यूज पर क्लिक करना है, इश्यूज पर क्लिक करने के बाद में आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपका अकाउंट माइग्रेट नहीं हो रहा है, ठीक है, डाटा ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो वह भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है। तो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है रिपोर्ट्स एंड बैंडेड, ठीक है, नीचे से थर्ड वाला ऑप्शन रिपोर्ट्स एंड बैंडेड। उसके बाद में आपको नीचे आना है इश्यूज टाइप, आपको यहां पर क्लिक करना है और आपको यहां से सेलेक्ट करना है अनबैन रिक्वेस्ट, अनबैन रिक्वेस्ट। अगर आपकी आईडी हैक हो जाती है तो आप वह भी मतलब उनसे शिकायत कर सकते हैं। तो यहां से हम अनबैन रिक्वेस्ट पर क्लिक करते हैं। ओके, अब आपको यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन में मतलब एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है, जिस तरह से आप अगर छुट्टी मांगते हैं तो अपने सर से डियर सर फलाने फलाने चीज़ें लिखते हैं ना, उसी तरह से आपको यहाँ पर भी लिखना है डियर सर माई आईडी विदाउट एनी रीजन बैन, मतलब मैंने कुछ किया नहीं था। आपको अपने हिसाब से यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिख देना है। ठीक है, अगर आप नहीं लिख पाते तो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताना, मैं आपको बता दूंगा आपको यहाँ पर लिखना क्या है। वैसे आप अपने हिसाब से लिख देना, क्योंकि सारे लोगों का रीजन अलग होता है, कोई ग्लिच करते करते बैन हो जाता है, कोई लॉबी में बैन हो जाता है, कोई मतलब कहाँ पे बैन हो जाता है। तो आप यह चीज़ थोड़ा सा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देना। ठीक है,
और हाँ दोस्तों, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है और यह चीज़ ज़रूरी है, आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में सब कुछ लिखने के बाद में लास्ट में आपको अपना करेक्टर आईडी, ठीक है, BGMI का करेक्टर आईडी प्लस जो आपका नाम है वह ज़रूर डालना, ताकि वो लोग चेक कर पाएँ। अगर आप नहीं डालेंगे तो चेक कैसे करेंगे, फिर उनको पता नहीं चलेगा। फिर लास्ट में आपको फाइल अटैच कर देनी है, आप अपने आईडी का भी स्क्रीनशॉट ले लेना, और जो बैन दिखा रहा है 10 दिन का 20 दिन का 50 दिन का या तो फिर 10 साल का, उसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पर क्लिक करना चूज फाइल पर और यहाँ से ऐड कर देना, ठीक है, आपका काम हो जाएगा। फिर 24 या 48 घंटे में जो आपकी आईडी हुआ अनबैन हो जाएगी। लेकिन अगर आपने कुछ नहीं किया है तो, अगर आपने कुछ कलाकांडी किया है तो भाई आईडी अनबैन नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, आपका भाई आपकी हेल्प ज़रूर करेगा। और इंस्टा पे फॉलो कर लेना, क्योंकि हम लाइव आने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।